हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साधना रियल ब्लॉग में। और आपने अभी देखा होगा कटहल की सब्ज़ी मैंने कल बनाई थी रात को, वो क्लिप मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो अब ये बना रही हूँ पोहा है। मॉर्निंग काम जितना होता है ना सुबह का, वो सारा हो गया है। और क्या होता है ना, सुबह सुबह उठो ना तो सबसे बड़ा काम होता है हमें बिस्तर सेफ जगह मतलब यथास्थान पे रखना, क्योंकि सभी बिस्तर इधर उधर हम लोग लेटे रहते हैं, फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठा दिखता है। अभी थोड़ी ठंडी भी है हमारी तरफ, तो रजाइयाँ भी अभी निकली हुई हैं। तो उठने के बाद मैंने उसे रखा, मुझे उसे सब रखने में और झाड़ू डालने में 1 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि सब उठा उठा के रखो। तो उसके बाद फिर नहाई धोई, बर्तन मैंने शाम को ही धुल लिया था पूजा पाठ करके। अभी मैं चाय पीने के बाद बना रही हूँ पोहा। और जो लोग मेरे चैनल में नहीं आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा कैसा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। मैं इस पर थोड़ा सा नमक डाल दूँगी जिससे टमाटर गल जाए। और पता नहीं इस समय कैसे टमाटर आ रहे हैं, गलते नहीं जल्दी, शायद देसी टमाटर नहीं है ये, क्योंकि देसी टमाटर डालते ही अपने आप गल जाते हैं। और बस इन्हें बना के दे दूँगी मैं बच्चों को। और पोहा तो मेरा भी फेवरेट है, मैं भी खाती हूँ बहुत, तो मैं भी खा लूँगी, नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद फिर देखूँगी और क्या काम है। हर चीज़ में टमाटर ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि बिना टमाटर के मुझे उसका फ्लेवर नहीं अच्छा लगता। मतलब आप लोग देखते होंगे मेरी सब्ज़ी में, आलू पालक की सब्ज़ी में भी टमाटर पड़ेगा, चना का जो साग होता है उसमें भी टमाटर पड़ेगा, और कटहल में भी टमाटर डालते हैं। मतलब ऐसी कोई सब्ज़ी ही नहीं है जो बिना टमाटर के मैं खा सकूं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। टमाटर ज़रूर से ज़रूर डालती हूं, अरवी की सब्ज़ी छोड़कर, अरवी की सब्ज़ी में नहीं डालती टमाटर। नहीं तो ऐसी कोई सब्ज़ी नहीं जिसमें टमाटर ना डालूं मैं, ये मेरा पर्सनल स्वाद है। इसमें मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ कोई डालता है कि नहीं डालता, लेकिन मैं बिना डाले मुझे स्वाद ही नहीं आता है। और मेरे घर में मैं बनाती हूँ ना, ऐसे तो सब लोग खाने भी लगे हैं, उनकी भी आदत पड़ गई है। तो आइए जल्दी से कर लेते हैं नाश्ता, मिलती हूँ आप लोगों को मैं कुछ देर बाद फिर। के मैं बातें कर रही थी बच्चों से, यहाँ 2 लोग पढ़ चुके हैं, हर्ष भी पढ़ रहा है और शिव भी पढ़ रहा है। खुशी है वो बातें कर रही है, वो भी बैर लेके आई थी, 8 से 10 बैर थी, बहुत अच्छी अच्छी बैर है यहाँ पीछे हमारे बगल में। तो बोले थे मम्मी बुआ के यहाँ चलें बैर खा के आते हैं। तो वो रहती है बगल में, वो बुआ ही लगती है इन लोगों को, क्योंकि मायके में रहती है ना। तो वही बोल रही थी मम्मी चलिए आप तोड़ लें। वैसे मैं कह देती हूँ उनको कि बच्चों को तोड़ के दे दीजिएगा, तो दे देती हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं। तो बच्चे बच्चे इकट्ठे होते हैं ना, शरारत करते हैं, इसलिए मैं भेज नहीं रही हूँ, बोल रही मम्मी आप चलिए। तो वही सारी बातें हो रही थी हमसे और मैं हंस रही थी क्योंकि बैर इसे बहुत पसंद। और ये है शाम का टाइम, चाय वाय हम लोगों ने पी ली है। अभी मैं जा रही थी रामायण पढ़ना है आज सैटरडे, मंदिर गई थी शाम को, तभी साड़ी पहना मैंने। नहीं वैसे साड़ी मैं घर में नहीं पहनती हूँ ज़्यादा, तो अब जा रही हूँ मैं रामायण पढ़ूँगी। थोड़ा सा बैठी थी चाय पीकर यहाँ बच्चों के पास, क्योंकि ये मेरा मतलब रूटीन है, मंगलवार शनिवार को मैं रामायण पढ़ती हूँ। रेगुलर तो नहीं पढ़ती हूँ, चाहूँ तो पढ़ सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि जो नियम डाउन मैं कर सकूँ, क्योंकि अगर डेली मैं पढ़ूंगी तो शायद कभी छूट सकता है, इसलिए मैं 2 दिन ही पढ़ती हूँ। कि मतलब जो भी नियम डालो। ये हस्बैंड सो रहे हैं, टीवी लगी। तो चलिए मेरा वीडियो यहीं तक का था, कैसा लगा आप लोगों को मुझे बताइएगा। मैं यही बोल रही थी आप लोगों से, बाय बाय फ्रेंड्स।